हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है, द मेल वर्कर्स आर अप्रोक्सीमेटली बट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ 5 कंपनीज। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया हुआ है, उसमें अलग अलग कंपनीज है, 5 कंपनी, उसमें टोटल एम्प्लॉयज़, टोटल वर्कर्स और उनका मेल टू फीमेल रेशो दिया हुआ है। एम्प्लॉयज़ का अलग दिया हुआ, वर्कर्स का अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मेल वर्कर्स अप्रोक्सीमेटली बट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्कर्स। तो टोटल वर्कर्स हम निकाल लेंगे, तो ये वर्कर्स वाली जो लाइन है इसमें सभी कंपनीज का वर्कर्स का प्लस कर लेंगे, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें रेशो के हिसाब से मेल का, जो मेल का रेशो के हिसाब से मेल वर्कर्स हैं वो निकाल लेंगे। फिर देख लेंगे भाई आउट ऑफ ये कितने परसेंट बनते हैं जो मेल वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे वन बाय वन मेल का निकाल लेते हैं। जैसे कि मेल का फर्स्ट ए कंपनी का है, वर्कर्स का रेशो है 3। तो टोटल कितने हैं वर्कर्स ए कंपनी में? 10,000 है। 10,000 में से जो वर्कर मेल का रेशो है वो है 2 है, सॉरी मैंने 3 बोल दिया, पहले 2 है क्योंकि पहले मेल का फिर फीमेल का, 2:3। तो इनटू 2 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 है दोस्तों, 2+3 कितना 5 होता है। सेम बी कंपनी के लिए वर्कर्स कितने हैं? 6,000 हैं और टोटल रेशो 2 है मेल की, आउट ऑफ कितना है? 3 है। और सेम अभी सी के लिए करते हैं, 8,000 टोटल वर्कर्स हैं और जो वर्कर्स में मेल का रेशो है वो है 1, आउट ऑफ कितना? टोटल कितना? 4। ठीक है दोस्तों, 1+3 4 होता है। और थर्ड कंपनी की बात कर, फोर्थ कंपनी कौन सी है? डी है। डी में टोटल वर्कर हैं 5,000 टोटल हैं, उसमें से जो मेल का रेशो है वो है 4, आउट ऑफ कितना है? 5। और लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में है 4,000 और रेशो है 1, आउट ऑफ कितना है? 2। तो ये टोटल अगर आप इनको प्लस करोगे, 4,000 प्लस 2,000 को होगा, तो ये 16,000 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, टोटल 16,000 जो मेल वर्कर्स हैं, जो मेल वर्कर्स हैं। अभी हम टोटल वर्कर्स निकाल लेंगे, फिर ये 16,000 उसका कितना परसेंट बनता है वो निकाल लेंगे। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं दोस्तों, प्लस कर लेते हैं। जैसे ए कंपनी में है 10,000, बी में है 6,000, प्लस सी में है 8,000 और डी में है 5,000 और लास्ट वाली ई कंपनी में है 4,000। ये 33,000 टोटल हो गया। तो कहने का मतलब 33,000 हमारे 100% के बराबर है, तो 1 हो जाएगा 100/33,000 और हमें पता करना है 16,000 का। तो इन्होंने क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट बोला है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो इसको हम 48 लिख सकते हैं। ये 48.484845 करके परसेंटेज जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का, लेकिन हम इसको सिंपली अप्रोक्सीमेट के चक्कर लिखना है तो 48 लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस पूरे क्वेश्चन को लिख के भेज दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।